गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर टू रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में हम यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के बारे में अभी आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म, ठीक है, कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ बच्चों। अब इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन से आप यहाँ देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन नियम क्या आपका टॉपिक्स, यूक्लिड्स डिवीजन नियम। यूक्लिड्स डिवीजन नियम क्या है, हम सपोज ए को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, तो इसके लिए इफ ए बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी क्या है टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे इफ ए एंड बी स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, A and B are two positive integers. Two positive integers. A and B are two positive integers. Then they exist. P and Q. Then they exist two unique things. Then they exist two unique. A equal BQ plus R. तो बच्चों A और B क्या है? तो positive integers है और Q और R ये दोनों क्या है? Unique integers है। समझ रहे हैं आप? तो हम ये बताएंगे कि A equal BQ plus R where 0 less than equal R less than B। समझ गए? B क्या है? क्योंकि साथ में वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ये डिवाइडेड हो गया, डिवाइडेड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, समझ गया। देखिए इसी पर डिपेंड मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये आपको यूक्लिड से एक मैथमेटिशियन से जिसने रियल नंबर नंबर थ्योरी दिया है और ज्योमेट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है बच्चों। यूक्लिड कौन है? एक ग्रीक मैथमेटिशियन। अब जैसे आपके पास जैसे एक्सरसाइज के अंदर आगे क्वेश्चंस भी हैं, तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस पर समझा रहा हूँ, याद देखिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए यहाँ पे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ
that square of the square of any positive any positive integers is of the form tan square of any positive integer is of the form of 3m or 3m plus 1, where m is some integers. बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यूक्लिड डिवीजन लिखना था, यूज करते हुए हमारे पास क्वेश्चन है कि आप प्रूव करिए शो दे द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव डिवीजन. आप पॉजिटिव डिवीजन के बारे में ये a का स्क्वायर, ठीक है, वो जो मानेंगे वो इस 3m और 3m प्लस 1 फॉर देखिए. तो आप क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव डिवीजन, एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब हम नेक्स्ट यूनिट डिवीजन लिमा का स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं, a इक्वल टू b टू प्लस r, वेयर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b. तो बच्चों यहां पे हम अब ये 3m 3m प्लस 1, तो देखो यहां पे a b की वैल्यू क्या मान लेंगे, b equal 3, b equal 3 हो जाएगा, b q plus 1, a बराबर b q plus r, r के लिए हो जाएगा, देखो, तो यहाँ b नहीं है, ये हो जाएगा आपका a equal 3 q, समझ रहे हो, plus r, a equal to 3 q plus, a equal to 3 q plus r, देखो, where 0 less than equal to r less than 3. b की वैल्यू क्या शो करती है, 3, ठीक है, इस तरह ये स्टेटमेंट आपको देखो. अब यहां पे कुछ r इक्वल टू 0 इनटू 3 रखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट पूछ रहा है वो उस फॉर्म में आ जाएगा. देखो अब हमें क्या करना है, अब देखो अगर हम a equal 3q या a equal 3q plus 1, ठीक है, आज हम 0 इंटू रखेंगे, देखो या a equal 3q plus 2, इसका मतलब ये हो रहा है कि put r equal 0, 1, 2, 3 and so on. देखो 0 रखोगे यहाँ पे तो a बराबर 3 हो जाएगा, समझ लो 3q प्लस 0, r की जगह 0 रखेंगे ये आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो a इक्वल 3q प्लस r की जगह 1 रखो ये, और 2 रखेंगे तो ये स्टेप आपके पास आ जाएगी, ठीक है. तो अब हमें आगे क्या है, फर्स्ट देखो हमें फर्स्ट में क्या करना है, इफ a इक्वल क्या पुट करेंगे 3q, क्या पुट करेंगे 3q. अब ये क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या वो 3m 3m + 1 फॉर्म में है, तो हमें ये प्रूव करना. देखो तो a को लिख लो, आप लोगे हियर बोथ साइड, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग इसमें करेंगे लेफ्ट राइट में, ये स्क्वायर किया हमने, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये 3q 3q * 3q कितना होगा 9q स्क्वायर. तो a स्क्वायर इक्वल, अब आपके पास क्या था स्टेटमेंट कि 3m, आपको क्या करना है 3m 3m + 1, ठीक है, इस फॉर्म में लिखो. तो यहां पे इसको क्या लिखोगे 3 * 3q स्क्वायर. अब यहां 3 की स्क्वायर करके क्या पुट करोगे, m इक्वल टू 3q स्क्वायर, अगर मैं m रखते हैं यहाँ पे
3t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3 या a रखेंगे तो ये a इक्वल टू a स्क्वायर मतलब ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होता है वो क्या है 3m और में होता है अब दूसरा है 3m प्लस 1 फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिए अब आप इसी तरह से क्या लेंगे a इक्वल टू 3 2 प्लस 1 अब ये अब इसका स्क्वायर करिए बोथ साइड देखो a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर 3 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a a मतलब 3 2 b b मतलब 1 और प्लस b स्क्वायर आपने आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा बच्चों उसके हिसाब से मैं ये ओपन करना देखो समझ गया ये a प्लस b होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इससे मैंने ये ओपन किया देखो ये 9 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 2 प्लस 1 ठीक है अब ये a स्क्वायर अब यहां पे कॉमन क्या है आपका 3 देखो तो 3 3 कॉमन ले लो ये 3 कॉमन दिया क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 2 और ये प्लस 1 अब यहां पे हम क्या मानेंगे m यहां पे देखिए पुट पुट 3 2 स्क्वायर प्लस 2 2 क्या मानेंगे इसकी जगह m यहां m रखो आप तो 3 m प्लस 1 देखो इस तरह से आपके पास 3 m प्लस 1 हो गया इस तरह से हम और भी 3 2 प्लस 2 करेंगे तो हर बार आपके पास जो इसलिए बता रखा है इस तरह ये आपके पास आ जाएगा बच्चों तो हमें एक लाइन लास्ट में लिखना है क्या बताना है देखो देखिए सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर सो दैट क्या बताएंगे सो दैट द स्क्वायर सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर क्या है a ठीक है इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर की फॉर्म में इज ऑफ द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म किस किस को हमारा आपका 3m फाइंड कर लिया ये दूसरा है और 3m + 1 ठीक है इस तरह हमने ये प्रूव कर लिया थैंक यू बच्चों